आज हम बात करेंगे अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड क्या होते हैं? अमीनो एसिड प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस से मिलते हैं। प्रोटीन के लेक्चर में आपने पढ़ा था, जो प्रोटीन होते हैं किससे मिलके बने होते हैं? अमीनो एसिड से। तो अगर हम प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या हमें मिलेगा? अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? हाई मॉलिकुलर वेट सब्सटेंस होते हैं जो कि लिविंग टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं। वैसे तो बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, लेकिन जो हमारे प्रोटीन होते हैं मेनली 20 डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड्स के मिलके बने होते हैं। अब अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं। अमीनो एसिड, अमीनो मीन्स अमीन ग्रुप, NH2 ग्रुप, और एसिड मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो जो ऐसे सब्सटेंसेज जिसमें NH2 ग्रुप और COH ग्रुप प्रेजेंट है उन्हें क्या बोलेंगे? अमीनो एसिड। यहाँ पे देखिए NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, COH ग्रुप प्रेजेंट है। चेंजेस कहाँ आएंगे? इस R ग्रुप पे, इस R ग्रुप पे चेंजेस होते रहेंगे और NH2 ग्रुप और COH ग्रुप सेम ऐसे ही रहेगा। R ग्रुप में चेंजेस होंगे और अमीनो एसिड चेंज होते रहेंगे। सपोज करिए अगर हम R ग्रुप, R की जगह हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर में, तो वो किसका है? कौन से अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हो जाएगा? ग्लाइसिन। ऐसे ही अगर हम R की जगह CH3 अटैच कर देते हैं तो किस स्ट्रक्चर हो जाएगा? किसका? एलेनिन का। और अगर हम CH3 में से एक हाइड्रोजन हटा के CH2 और CH2 के साथ एक फिनाइल ग्रुप अटैच कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? फिनाइल एलेनिन। तो ये था हमारा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बात करते हैं अमीनो एसिड कितने टाइप के होते हैं। अमीनो एसिड 3 टाइप्स के होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? एसेंशियल मीन्स ज़रूरी। तो वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती है, नहीं बनाती है, लेकिन उसे हम कहाँ से लेते हैं? डाइट के थ्रू लेते हैं, खाने के थ्रू लेते हैं। तो वो अमीनो एसिड क्या होते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड। कैन नॉट सिंथेसाइज बाय द बॉडी एंड देयर फोर मस्ट बी टेकन इन द डाइट। तो हम एसेंशियल अमीनो एसिड 10 टाइप के होते हैं, लेकिन उसमें 2 अमीनो एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। लेकिन हम एसेंशियल अमीनो एसिड के 10 एसेंशियल अमीनो एसिड के नाम एक साथ याद करेंगे। इसको हम 10 अमीनो एसिड के नाम याद कैसे करेंगे? इसका भी 2 तरीका है, जो आपको सही लगे उसके थ्रू आप याद कर सकते हैं। पहला है VIP हॉल में तेरी तस्वीर लगाऊंगा। तो इसमें कैपिटल लेटर से जो वर्ड लिखे हुए हैं उसी से स्टार्टिंग होगी अमीनो एसिड के नाम की। और दूसरा तरीका है प्राइवेट टिम हॉल। सपोज करिए टिम कोई कंपनी है प्राइवेट, और वहाँ पे बहुत सारे हॉल प्रेजेंट है। तो ये 2 तरीके हैं याद करने के। पहला तरीका देखते हैं, VIP हॉल में तेरी तस्वीर लगाऊंगा। VIP जो कैपिटल वर्ड्स हैं उन्हीं को देखिएगा। V फॉर वैलिन, I फॉर आइसोल्यूसिन, P फॉर फिनाइल एलनिन, H फॉर स्टेडिन, A फॉर आर्जिनिन, L फॉर लाइसिन, M फॉर मिथियोनिन, एंड T फॉर ट्रिप्टोफैन, नेक्स्ट T फॉर टायरोसिन, एंड लास्ट वन L फॉर ल्यूसिन। और दूसरा तरीका है प्राइवेट टिम हॉल, P फॉर फिनाइल एलनिन, B फॉर वैलिन, T फॉर ट्रिप्टोफैन, T फॉर टायरोसिन, I फॉर आइसोल्यूसिन, M फॉर मिथियोनिन, H फॉर हिस्टिडीन, A फॉर आर्जिनिन, L फॉर ल्यूसिन, एंड L फॉर लाइसिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड में। हमने 2 सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड भी पढ़े हैं। तो यहाँ क्यों नाम है इसका? सेमी एसेंशियल। सेमी मीन्स थोड़ा और एसेंशियल मीन्स ज़रूरी। तो वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी बनाती है लेकिन सफिशियंट क्वांटिटी में नहीं बनाती है, जितनी हमें बॉडी को ज़रूरत है उतनी नहीं बनाती है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? इसको डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स। और इसके नाम हमने याद किए थे एसेंशियल अमीनो एसिड में 2 सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। नेक्स्ट हम लास्ट बात करते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की। नॉन मीन्स नहीं, एंड एसेंशियल मीन्स ज़रूरी। तो वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी को बाहर से लेने की जिसको ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे अमीनो एसिड क्या होते हैं? हमारी बॉडी खुद ही बनाती है। अमीनो एसिड विच कैन मेड बाई दी बॉडी, जो हमारी बॉडी बनाती है वो अमीनो एसिड, उन अमीनो एसिड की क्या बोलते हैं? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड।
नो नीड टू टेक फ्रॉम द डाइट, डाइट से हमें लेने की इसकी ज़रूरत नहीं होती है। अब इसको याद कैसे करने का क्या तरीका है, एक शॉर्ट फॉर्म है इसका कटप्पास 3G। कटप्पास बाहुबली तो सबने देखी होगी, तो उसमें कटप्पा है ना यहाँ पे, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो कटप्पा है उसमें स्टार्टिंग सी से है और 3G 3 times G है, इसलिए यहाँ पे क्या रखा गया है 3G। अब देखते हैं इसके नाम, सी फॉर सिस्टीन, ए फॉर एलेनिन, टी फॉर थ्रियोनिन, ए फॉर एस्पारजीन, पी फॉर प्रोलिन, ए फॉर एस्पार्टिक एसिड, एस फॉर सीरीन, जी फॉर ग्लूटामिन, नेक्स्ट जी फॉर ग्लूटामिक एसिड, जी फॉर ग्लाइसिन। ये तो था नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड।